यहाँ तो बंदरों का आतंक हो रखा है मंदिर के पास ही बिल्कुल। तो हमारा चंदन भाई प्रसाद नीचे छोड़ आया जूते उतारते टाइम। खींच दी तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, अब डेस्टिनेशन पे। आओ जी बैठो। यार है तगड़ी जगह पे, ये देखो राजा हिंदुस्तानी वाली जगह लगा लो। सो ये है पहाड़ों का टोल, देखा क्या मस्त स्टाइल में टोल बना रखा है। सो पहाड़ों में इस टाइप की बिल्डिंग भी होती है देखो। रेजिमेंट आई थिंक ये कोई सी। तो पूरा आर्मी एरिया है यहाँ पे, पीछे पीटी ग्राउंड भी था, सारी चीजें थी आर्मी वालों की। भाई साहब बहुत सही लग रहा है। बाकी इस साइड में भी ये बना रखा देखो, आर्मी का पूरा कैंट टाइप। यहाँ पे होती है आर्मी की भर्ती अपनी रानी खेत में। ये देखो आर्मी के बंदे हैं जो नए नए जवान हैं, ट्रेनिंग चल रही है। तो रानीखेत तो बहुत ही गजब की जगह है, मतलब मजा आ गया देख के, इतने तगड़े तगड़े व्यू है ना। और आर्मी का सारा एरिया है पीछे का, तो वहाँ पे वो मना कर रहे हैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाने को। सो यहाँ पे आर्चरी के लिए बना रखा है देखो, आर्चरी प्रैक्टिस चल रही है। क्या गजब का है ना एरिया। तो फाइनली आ चुके हैं हम एक और डेस्टिनेशन पे अपनी, जो है सोनी बिनसर मंदिर। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। यहाँ वानर सेना का आतंक फूल है यहाँ पे। तो ये मंदिर है सामने, बहुत ही गजब का मंदिर है देखो। चित्र लेना मना है, मोबाइल आदि का प्रयोग न करें। सो नीचे तो अलाउड नहीं था, ऊपर बनाते हैं थोड़ा बहुत। ये कुछ ऐसा है मंदिर बिनसर महादेव का, सोनी बिनसर। बाकी ये देखो कृष्ण जी उपदेश देते हुए, क्या मस्त लग रहा है ना। और यहाँ का व्यू देखो क्या मस्त है ना, यहाँ कृष्ण जी ने उपदेश दिया था जो। ये आश्रम है आई थिंक इस साइड में। बाकी बहुत ही शांत जगह बना हुआ है देखो, बिल्कुल पहाड़ों के जंगलों के बीच में है मंदिर। गजब लग रहा है ना। नीचे अलाउड नहीं था कैमरा, ऊपर मैंने बनाना शुरू कर दिया, पर गया सीसीटीवी भी लगे हैं फिर भी। सो मंदिर की स्टार्टिंग में बहता पानी देखो कितना मस्त चल रहा है ना, क्या गजब लग रहा है। सो मंदिर बहुत ही गजब लोकेशन पे है, बिल्कुल शांत माहौल है पूरा ना, कोई आवाज नहीं। बाकी व्यू भी तगड़ा है, कभी भी आना चाहे। बाकी इसका एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड कहाँ लगा हुआ है। सो बोर्ड लगा है, देख सकते हैं इसमें एड्रेस जिसको देखना हो, ये है इसका एड्रेस मंदिर का। सो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और एक जगह और जाना, बाकी ठंड इतनी हो गई ना, हाथ सुन्न हो चुके हैं। तीसरे लोकेशन पे और जाना, ये तो मजा आ गया यहाँ पे लोकेशन में। पीछे देखो आप क्या मस्त लोकेशन है ना पूरी। अब चलते हैं तीसरे लोकेशन की ओर। तो ये है जो हमको वीडियो अपलोड करने में मदद करता है, टावर। तो यहाँ एक और मंदिर है थर्ड, जहाँ आ रखे हम, ये गोयल देवता जी का मंदिर है। तो यहाँ भी चलेंगे, फिर चलेंगे घर को। सो सारे आगे निकल गए, मैं रह गया पीछे। बाकी ये मंदिर है गोलू देवता जी का मंदिर, सामने यहीं पे, वहां से लगा लो भैया 3 किलोमीटर दूर है बस, जहाँ पहले स्टॉप था अपना। ये यहाँ पे तो खच्चर भी खतरनाक है। घंटी बजाओ दो हाथों से भर के। क्या घंटी है यार इतनी बड़ी। सो यहाँ पे घंटियाँ चढ़ रखी हैं देखो दबा के। बाकी ये घंटी लोग मतलब चढ़ाते हैं परिवार के साथ आके। तो अब ताई जी भी चढ़ाएंगे घंटी, पर हम हाथ जोड़ के बस अपना इधर घूमते हैं थोड़ा।
मंदिर का नाम है पूरा चमड़ खान ग्वेल देवता की जय। जय हो। तो इसीलिए पहाड़ को ना देवभूमि कहते हैं, यहाँ जगह जगह देवों के वास हैं। तो ये ग्वेल देवता जी हैं, जिस तरह सरबिंसर महादेव है, शिव जी, मतलब जिस तरह कृष्ण जी ने उपदेश दिया था वहाँ पे, और शिव जी का मतलब वास है वहाँ पे बताते हैं। और माता रानी के मंदिर में गए थे हम, क्योंकि आपने देखा होगा दूनागिरी माता, दुर्गा माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड का। तो इसीलिए ऐसे देवभूमि नहीं कहते, क्योंकि यहाँ देव वास करते हैं इसलिए कहते हैं। तो यहाँ परम देव श्रद्धा देखो ना, मतलब लोग कितने आते हैं, मतलब घंटियाँ देख रहे हो जो इतनी सारी भरी हुई है यहाँ सर, कहीं तो रख भी दी होंगी अलग, और यहाँ देखो पूरा भरा हुआ है। तो इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए अंदर इंसान के, हमारे अंदर तो खूब है भाई देखो, इसीलिए आ रखे हम। तो यहाँ करीबन ना हजारों घंटियाँ चढ़ रही है, सोचो ऐसी जगह पे, मतलब जंगलों के बीच में है एरिया पूरा, और फिर भी लोग आते हैं, तो मान्यता कितनी होती है ना मंदिरों की, तो पूरी घंटियाँ घंटियाँ भरी पड़ी है ये देखो। तो यहाँ भी बंदरों की लाइन लगी, मतलब जहाँ मंदिर है ना जगह जगह बंदर ही बंदर है, क्योंकि वही बात है ना, मंदिरों में उनको मिल जाता है खाने को कुछ ना कुछ। स्नैक्स साथ साथ चल रहा है। गोरी पैकेट खाएगा, चिप्स खाएगा, पैकेट खाएगा। अच्छा कई जगह देखा ना पहाड़ों में ना कि 5 की चीज को 10 का ही बेचते हैं, पर वो ज्यादा बड़े टूरिज्म एरिया में बेचते हैं, और यहाँ पे 5 की 5 का ही मिल रहा है। सब सीधा हमको जाना है अपने घर को, सब चलते हैं, थक गए बाकी बहुत। सो अंधेरा होने वाला है बिल्कुल, ये अपना लास्ट स्टॉप है लगभग, इसके बाद तो कोई स्टॉप नहीं लेंगे, सीधा निकलेंगे अपना घर को। तो अभी यहाँ शॉपिंग चल रही है ककड़ी की, एक ही बहुत है भाई, ये बढ़िया है, ठीक है ओके करा ले पैक, चलो फाइनल। तो नाना करते हो स्टॉप बढ़ जाते हैं हमारे, यहाँ ककड़ी लेने के लिए रुके रायते के लिए, चलते अब नहीं रुकना मेरे हिसाब से। सो फाइनली पहुंच चुके अपने गंतव्य स्थान पे, अब चलते हैं ऊपर और आराम से रेस्ट करते हैं थोड़ा, है ना, और वीडियो अपलोडिंग पे लगानी है, नेटवर्क इशू होते हैं यहाँ पे, बहुत टाइम लग जाता है इसलिए लेट आ रहे हैं, 2-3 दिन से वीडियो आपने देखी होंगी, नेटवर्क इशू होते हैं। सो आज का खाना अपना पनीर की सब्जी, हरी सब्जी और रायता। रायता देखो बर्तन की मतलब शॉर्टेज हो तो ये काम आ जाते पहाड़ों में, पत्ते है ना, तिमला पतेल, रायता क्या मस्त लग रहा है। अच्छा शुभ होता है, रिवाज होता है, रायता इसी में देते हैं। अच्छा हाँ पत्तों में, चलो बढ़िया। सो फाइनली खाना खा के आ गए ऊपर और अपना सोने का प्रोग्राम हो गया अब सेट यहाँ पे, और कल सुबह भी कहीं जाना है घूमने, घूमने क्या कल सुबह को निकलना है एक शॉप के बाद आएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, जल्द जल्द सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, ठीक है चलो।